बैठा दी सरोज मैडम बाबू मैम साइड हूँ ना आप मैम था बिस्किट मम्मा पापा क्या करते हैं पापा क्या करते हैं काम करते हैं अरे भाई पापा खाएंगे खाना बनाते हैं खाना बनाते हैं और मम्मी मम्मी पापा कहाँ पे कहाँ आगे और भैया नहीं कोई स्कूल स्कूल जाते मैडम लेके जाती थी कौन सी स्कूल पापा के पास फोन है देखो ऐसा फोन है पापा के पास जो है पापा का फोन नहीं अरे चोट कैसे लग गई गाड़ी से गिर गए कहाँ जा रहे थे गाड़ी में कहाँ जा रहे थे गाड़ी में बैठ के नाना के घर मामा के घर मामा के घर कहाँ पर रेल में बैठे मामा के घर ट्रेन में बैठे कौन कौन था साथ में ट्रेन में
भैया का नाम है मालूम कुछ? मम्मी भी थी साथ में, भैया थे साथ, पापा पापा भी नहीं थे, भैया साथ में थे ट्रेन में। क्या नाम भैया का? भैया का नाम क्या? हाँ भैया का नाम बताओ। बीते 27 अगस्त को मध्य प्रदेश के असलाना में रेलवे ट्रैक के पास एक मासूम घायल अवस्था में पड़ा मिला था। बच्चे के सिर से लगातार खून बह रहा था। तभी वहां से गुजर रहे एक राहगीर की नजर उस पटरी के पास पड़े बच्चे पर पड़ी, जिसके बाद वो वहां पहुंचा और बच्चे से बात करने की कोशिश किया, लेकिन कुछ भी हासिल ना होने पर उसने फौरन पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पहले तो बच्चे से उसके घर और माता पिता के बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पा रहा था। वैसे काफी देर बाद मासूम ने पुलिस और अस्पताल में देखरेख कर रहे स्टाफ को अपना नाम लकी बताया था। यानी रेलवे पटरी के पास मिले बच्चे का घर का पता तो नहीं चल सका, लेकिन उसके नाम से पुलिस ने तहकीकात करना शुरू किया। किसी भी तरह से इस बच्चे को उसके माता पिता के पास पहुंचाना था, सो पुलिस ने 3.5 साल के मासूम लकी की तस्वीरें सभी पुलिस थानों में भेजी थी। इसके साथ ही लकी को लेकर सोशल मीडिया पर फोटो के साथ पोस्ट भी वायरल किया था। भैया पूरी घटना क्या है, कब आपको पता चला? सर मेरे को कल पता चला इसके बारे में, दिन में मिनिमम 3-4 बजे की बात है। तो सर ने मुझे बताया कि आपका बच्चा मिल गया है, और मैं सोचा कि आरपीएफ के पास होगा, मुझे पता नहीं था कि दमोह में। मुझे खुद नहीं मालूम सर कि यहाँ तक कैसे पहुँचा और किसने लेके आया है इसको। आपका बालक कब? 20 से 21 तारीख की बात है ये। मैं रेलवे स्टेशन आया था, रेलवे स्टेशन से गायब हो गया। कौन सा? छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन आया था। दमोह कैसे? पता नहीं सर, मुझे नींद लग गई थी, मैं वहीं आराम कर रहा था। शिकायत कब की थी आपने? मैंने 27 तारीख की शिकायत किया। नाम क्या है पूरा? जसवंत सिंह नाम है मेरा। लक्की सिंह नाम। निवासी कहाँ है जी? निवासी कहाँ? अम्बाड़ा रहने वाला, परासिया मेरा तहसील लगता है। आज आपको बच्चा मिल गया है जी? कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है सर, मैं बहुत परेशान था, बताते आ रहा हूँ कि मेरा रोज को धन्यवाद देना चाहिए। मैं सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो जो मेरी सहायता करे मेरे बच्चे के लिए और मिलाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों का। आखिरकार 3 सितंबर को पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। उस दिन लकी के परिवार के बारे में पता चला और फिर पुलिस ने लकी के परिवार का फोन नंबर निकाला। कोतवाली थाना प्रभारी आनंद सिंह ने वीडियो कॉल पर लकी और उसके माँ बाप से बातचीत कराई थी। वीडियो कॉल में लकी ने अपने पेरेंट्स को पहचान लिया था और उनसे बातें भी करने लगा था। एक ओर लकी को उसका परिवार मिला तो दूसरी ओर 16 दिन से लापता बच्चे की तलाश में दर दर भटक रहे परिवार की खोजबीन भी खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद लकी के माता पिता छिंदवाड़ा से दमोह के लिए रवाना हुए। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अब माँ बाप अपने गुमशुदा बेटे को मिलने वाले थे, जिसके लिए छिंदवाड़ा से दमोह अस्पताल पहुँच चुके थे। हालांकि जिस वक्त लकी के परिवार वाले रात करीब 2 बजे अस्पताल पहुँचे, उस वक्त लकी सो रहा था। अब माँ बाप का लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ था। उनकी मुलाकात उनके मासूम से होने वाली थी। कुछ ही देर में अस्पताल स्टाफ ने लकी को जगाने की कोशिश की। पहले तो लकी उठ नहीं रहा था, लेकिन जब उसने बताया कि मम्मी पापा आए हैं, तो फौरन लकी उठकर बैठ गया, अपने माँ बाप को गले लगाकर रोने लगा। माता पिता भी बच्चे को गले लगाकर खूब रोए। अब घायल अवस्था में लकी को आखिरकार माता पिता मिल ही गए थे। वैसे तो 27 अगस्त को लकी असलाना में रेलवे ट्रैक के पास लावारिस हाल में मिला था, लेकिन वो परिवार से कई दिन पहले ही बिछड़ चुका था। दरअसल लकी 21-22 अगस्त को अपने पिता के साथ छिंदवाड़ा में रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। इसी बीच लकी के पापा जसवंत स्टेशन पर सो गए और जब उठे तो लकी वहाँ से लापता हो चुका था। पिता की माने तो मासूम किसी परिचित के साथ खेल रहा था। उन्हें लगा कि लकी उनके साथ ही चला गया होगा, हालांकि बाद में पता चला कि लकी उसके साथ नहीं गया था।
अब पिता की हालत खराब हुई और दौड़े भागे पूरे स्टेशन पर लकी को ढूंढने लगे थे। काफी खोजबीन के बाद भी लकी का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद थक हार कर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इस दौरान लकी के पिता की तबीयत भी खराब हुई थी। वैसे बता दे, 27 अगस्त को लकी असलाना में रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि पुलिस की मदद से आखिरकार लकी मिल ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।